नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पत्रकार रिफत नसीम और आप जुड़ चुके हैं रबची लाइव से। असदुद्दीन ओवैसी की हुंकार से राजद में मचा हाहाकार। जी हां, बिहार में भले ही चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के बीच टक्कर देखने को मिले, लेकिन बीते चुनावों में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जोरदार प्रदर्शन किया है, उसको देखते हुए बिहार में चुनावों में अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी कड़ी में ओवैसी ने एक बार फिर महागठबंधन को खुली चुनौती दे दी है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम देश के किसी हिस्से में चुनाव लड़े या नहीं लड़े, लेकिन किशनगंज से अपने उम्मीदवार जरूर उतारेंगे। यानी कि ओवैसी ने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, सलमांचल क्षेत्र में वो अपने प्रत्याशी उतारने से पीछे नहीं हटेंगे। देखे तो ओवैसी का ये ऐलान सुनकर राजद में खलबली देखने को मिल रही है। बता दें कि इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सलमांचल की 24 विधानसभा सीटों में से 5 पर जीत हासिल की थी। अगर जातिगत समीकरण देखें तो सलमांचल के किशनगंज में मुसलमानों की अनुमानित आबादी 67% है, कटिहार में 43%, अररिया में 40% और पूर्णिया में 38% है। जाहिर सी बात है कि ये वोट परसेंटेज ओवैसी के लिए प्रमुख हथियार है। ऐसे में अब राजद ने मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए सलमांचल के लिए अलग से प्लान तैयार किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लिए यात्रा का प्लान बनाया गया है। आपको बता दें कि आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा है कि हम भी सलमांचल में रैलियां करेंगे, जिसके लिए दौरे के कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। आरजेडी के मुताबिक इसी महीने शुरू होने वाली यात्रा में महागठबंधन के विभिन्न सहयोगी भी हिस्सा लेंगे। वैसे आरजेडी मुस्लिम और यादव मतदाताओं को अपनी ताकत मानता है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार आरजेडी को ए टू जेड की पार्टी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी ये बाखूबी पता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमआईएम के साथ सलमांचल में बहुत कुछ दांव पर लगा है। वैसे भी ओवैसी इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को लगातार मजबूत कर रहे हैं, जिससे राजद के वोटों में बिखराव हो रहा है और यही आरजेडी की चिंता भी है। वैसे सिर्फ सलमांचल ही नहीं बल्कि ओवैसी की पार्टी की मौजूदगी से राजद को बिहार के सभी क्षेत्रों में खतरा है। गौरतलब है कि गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में भी राजद को ओवैसी की पार्टी के कारण मात मिली, यानी कि मौजूदा समय में ओवैसी राष्ट्रीय जनता दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती के समान है। हालांकि जिस तरह से सलमांचल इलाके को लेकर राजद में हलचल है, उससे साफ है कि तेजस्वी यादव भी ओवैसी की ताकत को समझ रहे हैं। अब देखना यह है कि ओवैसी और तेजस्वी के बीच ये टक्कर बिहार में क्या गुल खिलाता है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको इससे जानकारी मिल रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें लाइक करके अपना प्रेम जरूर दें। बने रहें रबजी लाइव के साथ। धन्यवाद।